અને હવે વાત કરીએ મહત્વના સમાચાર જે મળી રહ્યા છે। રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ। આજે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં બનાસકાંઠા સાબરકાંઠામાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। અરવલ્લી અને મહીસાગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી। આવતીકાલે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદને લઈને યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। રાજસ્થાન તરફથી આવતા વરસાદી ટ્રફના કારણે રાજ્યની અંદર વરસાદ વરસી શકે છે, જેમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આ સિવાય માછીમારોને આગામી 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महिसागर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे टू की बात करेंगे तो डे टू के लिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महिसागर डिस्ट्रिक्ट। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 2 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 km/h और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 55 km/h के आसपास रहने का पूर्वानुमान है।